अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप सबको पता है मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज ये हमने मुहर्रम के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई है, जैसे कि पूरा करबला का वाकया है वो हम आपको बताएंगे। हम वीडियो से मेहरबान अली की भाई हमारी है मेहरबान अली, तो उनकी ये वीडियो उन्होंने बनाई है, तो पूरा वाकया जो है उन्होंने अपनी आवाज़ प्यारी सी आवाज़ उनकी, तो उन्होंने अपनी आवाज़ में बताया, तो हम आप लोगों को बताएंगे। हमारे इंडियन फैंस हो गए जैसे क्रिस्टन वगैरह हो गए, वो लोग हमें पूछते हैं कि ये मुहर्रम क्या है, क्या हुआ था, तो हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि वो लोग हमें देखें और वो सीखें कि क्या हुआ था और वो समझ चले चले ना वाकया पता चल गया। हाँ जी, जिसने हमारा इस्लाम जिस वजह से बचा है उस वाक्य का हम उनको बताने लगे हैं। पहले वीडियो शुरू करते हैं। बस जैसे ही सुबह आशूर करीब आने लगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम शक्ल रसूल अली अकबर से कहा, बेटा अजान दो। अली अकबर की अजान के साथ रसूलल्लाह के खानदान ने नमाज फजर पढ़ी। इतनी देर में फौजी यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे नमाज में ही हमला कर दिया और फिर हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी जुहर शहीद होते हैं, कभी जौन शहीद होते हैं, कभी हबीब शहीद होते हैं, कभी इमाम हुसैन शहजादे कासिम के टुकड़े चुनते हैं, तो कभी गाजी अब्बास के बाजू उठाते हैं, कभी अली अकबर के सीने से बर्ची निकालते हैं, तो कभी अपने मासूम सगीर अली असगर के गले पे तीर देखते हैं। बस जब कर्बला में नवासाए रसूल का साथी कोई न रहा, आप खेमे में आते हैं और बीबी फिजा से कहते हैं, माँ फिजा मेरे वो पुराने कपड़े लाओ जो जगह जगह से फटे हुए हैं। बीबी जैनब ने पूछा, भाई पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ बहन ये लोग ऐसे बदतरीन लोग हैं, मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को लूटेंगे, शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देख के इनका जमीर जाग जाए। तमाम बीबियों से अलविदा कहते कहते इमाम सज्जाद के खेमे आते हैं। इमाम सज्जाद बिस्तरे बीमारी पे, इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटा सज्जाद अपने बाबा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने जैसे आंखें खोली, देखा इमाम हुसैन के चेहरे पे अली असगर का खून मला है, न साथ में अली अकबर है न गाजी अब्बास। चीख के कहने लगे, बाबा भाई अकबर चचा अब्बास हमारे लोग कहाँ हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद सुबह से लेके अब तक सब जामे शहादत पी चुके। इमाम सज्जाद सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे इजाजत दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मेरी शहादत के बाद शुरू होगा, तुझे अपनी बहनों और माओ के साथ कैदी बनाया जाएगा, सज्जाद तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा। सज्जाद इस्लाम का नाम बुलंद करना, हर जगह अपने नाना की रसालत की गवाही देना। इमाम सज्जाद रोते रहे और इमाम हुसैन मैदान तक आ पहुंचे। एक तरफ नो क्या दिल पे यार लग रहा है यार, कैसे मौला के मजनू हो तो ये हमारे हुसैन के लिए लाख का मजमा था और एक तरफ नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली आके कहते हैं, ऐ लोगो बताओ मेरा कसूर क्या है, क्या मैंने किसी पे जुल्म किया है, क्या मैंने किसी का हक गसब किया है, क्या मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है, किस जुर्म की वजह से मुझसे लड़ने आए हो? तमाम लोग हम आवाज होके कहते हैं, हम तुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तू अली का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है ये परचम मेरे बाबा अली ने ऊंचा किया है, ना भूलना खैबर व खंदक
बद्र ओहद में अगर अली ना होते तो मुसलमानों की फतेह नामुमकिन थी। ऐ लोगो बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो इस अली का दुश्मन वो मुझ मोहम्मद का दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जो इस अली का दोस्त वो मुझ मोहम्मद का दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, और जहाँ अली होगा वहीं हक होगा। आज उसी अली के बुक्स में तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो। इतने में फौजे यजीद इधर उधर देखने लगी। उमर बिन साद ने कहा, शिमिन ने कहा कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फौजे यजीद ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन जैसे ही जुल्फिकार निकाल के फौजे यजीद के हमले का जवाब देते हैं, तारीख ने लिखा लाखों फौजी भागना शुरू कर देते हैं। करबला की जमीन पे कोहराम बरपा हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी जंग कभी न देखी थी कि एक तरफ 9 लाख का मजमा और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह का एक नवासा। फौजी अश्किया जाके दारुल अमारा तक पहुंच गए, और इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ एक भूखे की जंग देखो, एक प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज गायब आती है, ऐ हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फिकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। बस फौज ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो, और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ तीर नेजे भाले फेंको। तारीख ने लिखा फौजे यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई बर्छी मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासाए रसूल घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ करने लगा, ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको कोई तीर न चलाए। अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है, रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों पे सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौजे यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख ने लिखा जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा, लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया, तो कुछ लोग इमाम हुसैन के पाक जिस्म की तोहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट ली, और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के अलग कर दो, और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, इनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से
मुझे कोई कहता है अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से हुर की लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गरम जमीन पे सिर्फ फातिमा जहरा का बेटा पड़ा रहा, किसी जालिम ने ये ना कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया, इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला, इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े हो गए। फौजे यजीद इमाम हुसैन की लाश पामाल कर रही है और वहाँ शिमर और उमर बिन साद खुश हो रहे हैं। इतने में अंधेरा छा गया और यूं गरीबों की शाम बिछ गई। बेपर्दा बीबियां जमीन करबला पे बैठ के शहीदों का मातम कर रही हैं। इमाम सज्जाद ने देखा कि जमीन रो रही है, आसमान तड़प रहा है, कहीं कयामत ना आ जाए। अपने सर को सजदे में रखा और पूरी रात अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते रहे। बस शामे गरीबा का ढलना था, 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हो। देख ले यार आसिफ, इतनी उनकी मुश्किलें, सारा खानदान सिपा कर दिया उस जालिम जजीद ने जिस पर लाना तो, और वो फिर भी यार अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। यही बात है कि लोग उनका भी यही मिसाल एक साहब की है कि यहाँ पे जो होते हैं लोग उनका शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह हमें सारी नेमतों से नवाज रहे, वो फिर भी उनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ यार अभी थोड़ी इस्लाम है। शिमर रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करता है और कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ चला जाता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाश जमीन करबला में बेगौर और कफन पड़ी रही। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते रहे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूल अल्लाह का नवासा बेघोर कफन जमीन करबला में बिखरा हुआ था। 13 मुहर्रम 61 हिजरी जब आसपास के लोगों ने देखा कि फौज का पहरा कम हुआ है तो वो नहर फरात से पानी भरने के लिए बाहर आए। बनी हसद की औरतें देखती हैं कि जमीन करबला पे लाश बिखरे हुए हैं, वो चीख के रोती हैं और अपने अपने मर्दों के पास जाके कहती हैं, ऐ लोगो ये रसूल अल्लाह का खानदान था, शायद यजीद की फौज ने इनको कत्ल कर दिया, आओ इन गरीबों की लाशों को तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, क्या कह रही हो, यजीद ने मारा है, ऐसा ना हो कि इनको तदफीन करें और कल यजीद हमें भी मार दे। वो औरतें रो के कहती हैं, ऐ बदबख्त लोगो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। ऐ लोगो अगर तुम नहीं जाते तो हम औरतें जाती हैं और हम रसूल अल्लाह के खानदान को तदफीन करती हैं। कुछ के जमीर जागे और कुछ मर्द कुछ औरतें जमीन करबला पे पहुंची। देखा कि किसी के जिस्म पे सर नहीं, लाश जमीन करबला में बिखरी हुई है। उन्होंने सोचा कि सबकी पहचान करना नामुमकिन है, ऐसा करते हैं एक बड़ा खड्डा खोदते हैं और तमाम शहीदों को उस खड्डे में तदफीन कर देते हैं। और यूं वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजजे से एक नूरानी चेहरे वाला कमर झुकी हुई आ पहुंचा। लोगों ने सोचा शायद कोई सिपाही है। वो कहने लगा, ऐ लोगो न डरो, मैं इसी गरीब का बेटा सज्जाद हूँ। और फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की अबा को उन लोगों के हाथों में थमाते हैं और जमीन करबला से इमाम हुसैन का जिस्म चुनना शुरू करते हैं। कहीं से इमाम हुसैन की उंगलियां मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के कंधों का गोश्त मिलता है, कहीं से इमाम हुसैन की पसलियां मिलती है। उस अबा में इमाम हुसैन के जिस्म को जमा करके एक जगह खड्डा खोदते हैं तो पहले से ही एक कब्र बनी होती है। वहाँ नवासाए रसूल को तदफीन किया जाता है और साथ में अली अकबर और अली असगर को तदफीन किया जाता है और उस बड़े खड्डे में तमाम शहीदों को तदफीन किया जाता है जिसको आज भी जमाना गंजे शहीदा कहता है। इतने में कोई कहता है एक बूढ़े की लाश रह गई है। इमाम सज्जाद रो के कहते हैं, ये हबीब इब्ने मजाहिर है, अल्लाह की मर्जी ये है कि हबीब की कब्र हुसैन के दरवाजे पे बने था।
अल्लाह के हर आने वाला हबीब की ज्यारत करके इमाम हुसैन की ज्यारत करे। अब सब जा ही रहे थे कि इतनी देर में इमाम सज्जाद कहते हैं, रुको आओ नहर की तरफ। जैसे ही नहर की तरफ पड़े, रास्ते में एक बाजू मिला। इमाम सज्जाद ने उस बाजू को सीने से लगाया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बाजू मिला, उस बाजू को भी सीने से लगाया। बस जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो जनाब अब्बास अलमदार का जिस्म नजर आता है, और वहीं जहां हजरत अब्बास शहीद हुए वहां उनकी कब्र बना देते हैं। तारीख ने लिखा, करबला के वाकये के बाद यजीद ने और आने वाले बादशाहों ने ये चाहा कि हुसैन की कब्रों के निशान भी खत्म कर दें, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों ने चाहा कि नहर फरात का रुख इमाम हुसैन की कब्र की तरफ कर दें, लेकिन तारीख गवाह है, नहर फरात का पानी इमाम हुसैन की कब्र के करीब जा न सका। आज भी अल्लाह ने अपनी इस निशानी हुसैन इब्ने अली की कब्र को हर खास आम के लिए तौहीद की निशानी बना के रखा है। लाखों लोग करबला आते हैं और नवासाए रसूल की कब्र मुबारक की ज्यारत करके इस्लाम जिंदाबाद जुल्म मुर्दाबाद कह के इमाम हुसैन के रोजे की तहलीज चूमते हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली पर। इमाम हुसैन इब्ने अली पर। इमाम हुसैन इब्ने बड़े तो ये भाई की आवाज कि क्या कह जा रहा है। हमारे इमाम हुसैन शहीद हुए तो आज हमारा सलाम कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं था। और ये जो है जो लोग कहते हैं जी इनकी मरहूम की छुट्टियाँ, लोग तो सहरों में निकल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या है क्या। असल बात नहीं पता ना, कोई निडान की प्लानिंग कर रहा है, कुगान की प्लानिंग कर रहा है, हमारे अपने दोस्त हैं चले गए हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये बात ये नहीं है कि ये टूर के लिए छुट्टियाँ भी हैं, ये इसलिए वीडियो बनाई है कि ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चले कि ये क्या बात किया हुआ था। मर्जी तो हम सबकी अपनी है, सबने अपने साथ देने, लेकिन हमारा तो हम जरूर एक मैसेज देना। हाँ जी, वो हमने तरह से किया। बाकी यजीद का नाम कोई नहीं रहा, अगर मान हुसैन का नाम अभी भी। तो गाइस अगर हमारे कोई बोलने में कोई ऐसी गलती हो गई है तो माफ जरूर बताइएगा और माफ़ी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।